करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे अलविदा जुमा के बारे में। अलविदा जुमा क्या होता है, रमज़ान में इसकी क्या अहमियत है। माना जाता है कि अलविदा जुमा की दुआ में साफ दिल से जो भी दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। अब ईद में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, अलविदा जुमा क्या होता है, रमज़ान में इसकी क्या अहमियत है, रमज़ान के मुकद्दस महीने को अलविदा कहने के लिए तैयार है। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा है। रोज़ा रखने वालों के लिए ये दिन खास अहमियत का हामिल है और वो भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हर साल मसाजिद में नमाज जुमा की तैयारियाँ की जाती है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अलविदा जुमा लोगों ने अपने अपने घरों में मनाए। माना जाता है कि अलविदा की दुआ में साफ दिल से जो भी दुआ मांगी जाती है वह ज़रूर पूरी होती है। अब ईद में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, अलविदा जुमा का क्या मतलब है जानेंगे। अलविदा जुमा का मतलब यह है कि किसी चीज़ का तहलील होना, जैसा कि यहाँ उससे मुराद रमज़ान का इख्तिताम है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को आखिरी जुमा कहा जाता है और अलविदा जुमा कहा जाता है। यही वजह है कि इस मौके पर आखिरी जुमा के दिन अल्लाह ताला से खुसूसी दुआएं मांगी जाती है कि आने वाला रमज़ान हम सबको नसीब हो। अलविदा जुमा मनाने के बाद लोग ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अलविदा जुमा क्यों खास है? अल्लाह ताला ने आखिरी जुमा को सबसे खास करार दिया है। हदीस शरीफ में है, इस जुमा को सैयदुल अय्याम कहा गया है। कुछ लोग जो माह रमज़ान से मोहब्बत करते हैं अलविदा जुमा के दिन अफसरदा हो जाते हैं। इस जुमा की रात ऐसी रात है कि तलाश करने पर 1000 महीनों की इबादत का एक साथ फ़ायदा मिलता है। यूँ तो साल भर में जुमा की नमाज खास होती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ये दिन और भी खास हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अब हमसे जुदा हो रहा है। रहमतों बरकतों का यह महीना हमें प्यार मोहब्बत और अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का दर्स देता है। अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों पर रहम फरमाता है, इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरा में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हदीस पाक के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रमज़ान गुजरने के बाद जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इंसानों के लिए बड़े फजीलत का मामला है। माह रमज़ान में भी शैतान गुनाहों से बाज नहीं आते, इसलिए इस दौरान उन्हें कैद किया जाता है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।